दोस्तों मनी इन द बैंक WWE का मास्टर स्ट्रोक है WWE पे रेटिंग लाने का, जहाँ जिस सुपरस्टार के पास मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस होता है फैंस की उस पर ज्यादा अटेंशन होती है, क्योंकि कभी भी किधर से भी इस मनी इन द बैंक के जरिए WWE कई सरप्राइज एलिमेंट कर सकती है। तो चलिए आज जानते हैं इस मनी इन द बैंक की फुल हिस्ट्री, फ्रॉम वेरी फर्स्ट WWE मनी इन द बैंक विनर टू करंट WWE मनी इन द बैंक विनर। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ मजेदार भी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों WWE में जो फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक के विनर थे वो थे द एज, जिन्होंने रसलमेनिया 21 में फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक जीता था। इस मैच में क्रिस बेनियट, केन, क्रिस जेरिको, क्रिश्चियन और शेल्टन बेंजामिन भी थे। रसलमेनिया में मनी इन द बैंक जीतने के बाद एज ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रॉ के होमकमिंग एपिसोड में डिफेंड भी किया था अगेंस्ट मैट हार्डी। एज ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को 280 दिनों के लिए अपने पास रखा, जो कि WWE में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके बाद रसलमेनिया 22 में रॉब वैंडम ने मनी इन द बैंक को जीता अगेंस्ट बॉबी लैशली, फिनले, मैट हार्डी, रिक फ्लेयर एंड शेल्टन बेंजामिन। दोस्तों इस मैच के बाद रॉब वैंडम ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को चैंपियनशिप वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट विनर टेक ऑल मैच में भी डिफेंड किया था अगेंस्ट शेल्टन बेंजामिन, और साथ ही शेल्टन बेंजामिन से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती थी। रॉब वैंडम ने यह कॉन्ट्रैक्ट 70 दिनों तक अपने पास रखा था और उसके बाद सक्सेसफुली जॉन सीना पे कैश इन किया था। इसके बाद रसलमेनिया 23 में मिस्टर कैनेडी ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता अगेंस्ट सीएम पंक, फिनले, जेफ हार्डी, किंग बुकर, मैट हार्डी एंड रैंडी ऑटन। पर 36 दिन मनी इन द बैंक अपने पास रखने के बाद मिस्टर कैनेडी इस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को हार गए और इसके बाद मनी इन द बैंक विनर बने एज, जिन्होंने रॉ से स्मैकडाउन जाकर सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन किया। इसके बाद रसलमेनिया 24 में सीएम पंक ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता अगेंस्ट कार्लिटो, क्रिस जेरिको, जॉन मॉरिसन, मोंटेल, मोंटेवियस पॉटर, मिस्टर कैनेडी एंड शेल्टन बेंजामिन, और इसे 92 दिन बाद सक्सेसफुली कैश इन करके WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी जीता। और इसके बाद रसलमेनिया 25 में सीएम पंक ने फिर से मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता अगेंस्ट क्रिश्चियन, फिनले, केन, कॉफी किंगस्टन, मार्क हेनरी, मोंटेल वॉन्टेवियस पॉटर एंड शेल्टन बेंजामिन, और सीएम पंक अब तक के पहले बैक टू बैक मिस्टर मनी इन द बैंक भी है। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद 63 दिनों तक सीएम पंक ने इसे अपने पास रखा और इसके बाद रसलमेनिया 26 में जैक स्वैगर बने न्यू मिस्टर मनी इन द बैंक। जैक स्वैगर ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को जीता था अगेंस्ट क्रिश्चियन, डॉब जिगलर, ड्रू मैकइंटायर, इवन बर्न, केन, कॉफी किंगस्टन, मोंटेल वॉन्टेवियस पॉटर एंड शेल्टन बेंजामिन। मिस्टर मनी इन द बैंक जीतने के बाद जैक स्वैगर ने क्रिस जेरिको पर सक्सेसफुली कैश इन कर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी जीता था। और यही वो लास्ट मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट था जिसे रसलमेनिया में जीता गया था, क्योंकि इसके बाद 2010 में WWE ने मनी इन द बैंक पेपर व्यू मैच को इंट्रोड्यूस किया, जहां फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक पेपर व्यू में केन ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था अगेंस्ट बिग शो, क्रिश्चियन, कोडी रोड्स, डॉब जिगलर, ड्रू मैकइंटायर, कॉफी किंगस्टन एंड मैट हार्डी। केन के नाम इसके साथ ही दूसरा रिकॉर्ड भी दर्ज है क्विकेस्ट कैश इन करने का। केन ने कॉन्ट्रैक्ट जीतने के 150 मिनट बाद ही रेमी स्टूडियो पे कैश इन किया था। इसके बाद सेम ईयर मनी इन द बैंक में ही ब्रांड्स मिस्टर मनी इन द बैंक बने थे द मिस, जिनका मैच हुआ था क्रिस जेरिको, एज, इवन बर्न, जॉन मॉरिसन, मार्क हेनरी, रैंडी ऑटन एंड टेड बियास। और काफी मुशक्कत और चीप हरकतें करने के 127 दिनों बाद मिस ने सक्सेसफुली रैंडी ऑटन पे कैश इन किया था और अपनी करियर की फर्स्ट एवर WWE चैंपियनशिप को भी जीती थी। इसके बाद मनी इन द बैंक 2011 में डेनियल ब्रायन बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक आफ्टर डिफीटिंग कोडी रोड्स, हीट स्लेटर, जस्टिन गैब्रियल, केन, शेमस, सिन कारा एंड वेड बैरेट। मिस्टर मनी इन द बैंक बनने के बाद डेनियल ब्रायन का करियर लास्ट गियर पर चला गया था। फैंस को डेनियल ब्रायन मिस्टर मनी इन द बैंक बहुत पसंद आ रहे थे। एक अच्छी स्टोरी लाइन के 154 दिनों बाद डेनियल ब्रायन ने बिग शो पर कैश इन कर अपने करियर की फर्स्ट एवर WWE चैंपियनशिप को जीता था। और दोस्तों मनी इन द बैंक 2011 में ब्रीफ केस के लिए दो मैचेस हुए थे, एक रॉ के लिए और एक स्मैकडाउन के लिए, जहां रॉ की तरफ से एलेक्स रिले, इवन बर्न, जैक स्वैगर, कॉफी किंगस्टन, रेमी स्टोरियो, आर्थ्रूथ एंड द मिस को हराने के बाद मिस्टर मनी इन द बैंक बने थे एल्बर्टो डेल रियो।
टेल रियानो 28 दिन मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद समर स्लैम में सीएम पंक पर सक्सेसफुली कैश इन कर WWE चैंपियनशिप को जीता था। इसके बाद 2012 यानी मनी इन द बैंक 3 में भी दो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैचेस हुए थे, जहां एक मैच में डॉब जिगलर ने क्रिश्चियन कोडी रोड्स, डेमिन सैंडो, सैंटिनो मरेला, सिंह कारा, टेंसाई एंड टायसन किड को हराकर मिस्टर मनी इन द बैंक बने थे। और 267 दिनों बाद अल्बर्टो डेल रियो पे सक्सेसफुली कैश इन करके WWE चैंपियनशिप को भी जीता था। वही दूसरी मैच में बिग शो, क्रिस जेरिको, केन, द मेज को हराकर जॉन सीना ने मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। जॉन सीना ने इसके बाद ये भी अनाउंस कर दिया था कि वो रॉ 1000 में WWE चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक पर कैश इन करेंगे। बड़ी कैश इन फिर रहा और जॉन सीना के हाथों से मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर मनी इन द बैंक 4 में क्रिश्चियन, सीएम पंक, डेनियल ब्रायन, रॉब वैन डम एंड शेमस को हराकर रैंडी ऑर्टन मिस्टर मनी इन द बैंक बने। 35 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद रैंडी ऑर्टन ने डेनियल ब्रायन पे सक्सेसफुली कैश इन कर WWE चैंपियनशिप को जीता था और ये स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी। वही स्मैकडाउन की तरफ से एंटोनियो सिजारो, कोडी रोड्स, डीन एम्ब्रोस, फैंडांगो, जैक स्वैगर एंड वेड बैरेट को हराकर डेमिन सैंडो बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। लेकिन 106 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद डेमिन सैंडो ने जॉन सीना पर कैच इन किया था, जो कि सैडली अनसक्सेसफुल हुआ। इसके बाद 2014 में 5th मनी इन द बैंक पेपर भी हुआ, जहां डीन एम्ब्रोस, डॉब जिगलर, कोफी किंगस्टन, जैक स्वैगर एंड रॉब वैन डम को हराकर सेथ रॉलिंस बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। और 273 दिनों तक मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद सेथ रॉलिंस ने रसलमेनिया के माय पर्सनल फेवरेट रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में सक्सेसफुली कैश इन कर WWE चैंपियनशिप को जीता था। आपको यह मूवमेंट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो इसके बाद 6th मनी इन द बैंक में डॉब जिगलर, केन, कोफी किंगस्टन, नेविल, रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेस को हराकर शेमस बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक, जहां शेमस ने 161 दिन मनी इन द बैंक अपने पास रखने के बाद सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस पर कैश इन किया था, जो कि सक्सेसफुल हुआ। और रोमन रेंस के बाद शेमस बने WWE चैंपियन ऑन सेम नाइट। इसके बाद 7th मनी इन द बैंक में अल्बर्टो डेल रियो, सिजारो, क्रिस जेरिको, केविन ओवंस एंड सेमी ज़ेन को हराकर डीन एम्ब्रोस बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। और इसके 57 मिनट बाद ही डीन एम्ब्रोस ने सेथ रॉलिंस पर कैश इन करके WWE चैंपियनशिप को जीता था, जिसे सेम नाइट सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस से जीता था। दोस्तों, द शील्ड के फैंस के लिए यह बहुत इमोशनल सेगमेंट था, जहां द शील्ड के मेंबर एक दूसरे को मारे जा रहे थे। दोस्तों, द शील्ड के लिए 1 लाख तो बनता है, और क्या शील्ड को फिर से WWE में आना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद 2017 में 8th मनी इन द बैंक पेपरव्यू में एजे स्टाइल, डॉब जिगलर, केविन ओवंस, जेमी ज़ेन, शिंस्के नाकामुरा को हराकर बैरन कॉर्बन बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। और 58 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद कॉर्बिन ने से जिंडर महाल पर कैश इन किया था, जो कि फेल हुआ, और बैरन कॉर्बन के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इसी साल 2017 में फर्स्ट एवर वुमेन मनी इन द बैंक मैच हुआ, जिसमें बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, नटालिया एंड टमीना को हराकर कारमेला बनी थी फर्स्ट मिस मनी इन द बैंक। बट एक ब्रीफ के जेम्स एल्वर्स ने हैंगर से निकाला था, तो इसलिए कारमेला को इससे रिलिंक्विश करना पड़ा। बट मनी इन द बैंक के रिमैच में बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, नटालिया और टमीना को हराकर फिर से कारमेला बनी थी मिस मनी इन द बैंक। और इसके बाद कारमेला ने शार्लेट पर कैश इन करके WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को भी जीता था। इसके बाद 2018 के 9th मनी इन द बैंक पेपरव्यू मैच में बॉबी रूड, फिन बैलर, केविन ओवंस, कोफी किंगस्टन, रूसेफ, समोवा जोक एंड द मिस को हराकर ब्रॉन स्ट्रोमन बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। और 70 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद हेल इन अ सेल में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन ने कैश इन किया था, जो कि फेल हुआ, और ब्रॉन स्ट्रोमन के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया। वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच में बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, एम्बर मून, लाना, नायोमी, नटालिया एंड शाशा बैंक को हराकर एलेक्सा ब्लेस बनी थी मिस मनी इन द बैंक। और जीतने के 2 घंटे और 57 मिनट बाद ही एलेक्सा ब्लेस ने नया जैक्स पर कैश इन करके WWE वुमेन चैंपियनशिप को भी जीता था। इसके बाद 10th मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में अली, एंड्राडे, बैरन कॉर्बन, ड्रू मैकइंटायर, फिन बैलर, रैंडी ऑर्टन एंड रिकोशी को हराकर ब्रॉक लेसनर बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक।
और 56 दिन मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद ब्रॉक लेसनर ने इसे सक्सेसफुली कैश इन करके WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी जीता था। वही वोमेंस मनी इन द बैंक के मैच में कार्मेला, डैना ब्रूक, एम्बर मून, मैंडी रोज, नयोमी, नटालिया एंड निकी क्रॉस को हराकर बेली बनी थी मिस मनी इन द बैंक। और उसी पेपर व्यू में बेली ने शार्लेट फ्लेयर पे कैश इन करके WWE वोमेन चैंपियनशिप को भी जीता था। इसके बाद मनी इन द बैंक 2020 में एजे स्टाइल, एलेस्टर ब्लैक, डेनियल ब्रायन, किंग कॉर्बन एंड रेमी स्टोरियो को हराकर ओटिस बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। लेकिन मिस के साथ फ्यूड के दौरान एलिमिनेशन चैम्बर में ओटिस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट हार गए और उसके बाद मिस बने थे न्यू मिस्टर मनी इन द बैंक। मिस ने 119 दिनों तक ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखने के बाद एलिमिनेशन चैम्बर में ड्रू मैकइंटायर पे कैश इन किया और WWE चैंपियनशिप को जीता। वही वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच में कार्मेला, डेना ब्रूक, लेसी इवेंस, नाया जैक्स एंड शाइना बेसलर को हराकर मिस मनी इन द बैंक आस्का बनी थी। नेक्स्ट राउंड पर बेकी लिंच ने अनाउंस किया था कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस में WWE वुमेन चैंपियनशिप है और आस्का मिस मनी इन द बैंक नहीं बल्कि अब WWE वुमेन चैंपियन है। इसके बाद मनी इन द बैंक 2021 में रिकोशी, जॉन मॉरिसन, रिटायर ड्रू मैकइंटायर, केविन ओवेंस, किंग नाकामुरा एंड सेथ रॉलिंस को हराकर बिगी बने WWE के करंट मिस्टर मनी इन द बैंक। और क्या आपको बिगी के फ्यूचर प्लान्स पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वही वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच में आस्का, नयोमी, एलेक्सा ब्लेस, लिव मॉर्गन, जलीना वेगा, नटालिया एंड टमीना को हराकर निकी एज बनी थी मिस मनी इन द बैंक। और उसके बाद ही नेक्स्ट रॉ पर ही निकी एज ने शार्लेट फ्लेयर पे कैश इन करके WWE वुमेन चैंपियनशिप को भी जीत गई। तो दोस्तों ये थी फुल हिस्ट्री ऑफ मनी इन द बैंक विनर्स। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ WWE चैंपियनशिप, रॉयल रंबल विनर्स या ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मिस ना करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।